देखिए, इसी तरह के आरोप हमेशा कांग्रेस के समय में होते रहे हैं। जब उनका उमर उनके पास कोई भी विषय नहीं होता तो ये फ़ोन टैपिंग जैसे मुद्दे करते हैं। नाना पटोले का फ़ोन टैप करके हम क्या करेंगे या सरकार क्या करेगी? नाना पटोले क्या खुद को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं क्या? तो ये सब फालतू की बातें हैं, इस बातों में कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है, सच सामने आ जाएगा। और ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप करने की जो कोशिश है वो आरोप अब खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए सर कि देवेंद्र फडणवीस जी पर आरोप है कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनकी जासूसी उस तरीके की चीज़ें करवाने का, तो एक राजनीतिक तौर पे प्रेशर बनाने की कोशिश क्या है? नहीं, ऐसे प्रेशर से भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 72-75 साल के राजकीय इतिहास में 60 साल विरोधी पक्ष में काम किया है, तो ये ऐसे कांग्रेस की स्टंट्स को हम डरते नहीं हैं। ABP News आपको रखे आगे।